तो फ्रेंड्स, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैंने सोचा है कि कृष्ण जन्माष्टमी में कुछ तो बनना चाहिए जिसे मैं भगवान को भोग चढ़ाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसकी तैयारी मैंने सुबह से कर ली है। तो आज मैंने केरल की फेवरेट और बहुत ही फेमस ट्रेडिशनल डिश बनाई है नेय्यप्पे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और ख़ास करके आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या फिर आपका जब मन चाहे तब आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी होती है। तो इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने 2 घंटे पहले चावल को भिगो दिया था। आप कोई भी चावल ले सकते हैं। तो इस चावल को मैंने सुबह 8 बजे भिगो दिया था, अब 10 बज गए हैं। इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसमें 2 इलायची डाल देंगे ताकि अप्पों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से आए। तो इसके लिए हमें ये 2 केले की ज़रूरत होगी। तो मैंने 1 कप चावल के लिए 2 केला ले लिया है। तो चलिए केलों को अभी इसमें डाल देते हैं। ये इस तरह से कट कर करके हमें इसमें डाल देंगे। साथ में मैंने देखिए 2 इलायची भी डाली हुई है, ये अच्छा फ्लेवर देते हैं इसमें। तो केले को इस तरह से कट कर करके हमें डालेंगे। देखिए, हमें पहले पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमें ज़रूरत होगी तभी हम पानी का यूज़ करेंगे, उसके पहले बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका देखिए मैंने स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। तो चलिए इसे बाउल में अब हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए कितना स्मूथ बैटर है। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए कितनी गाढ़ी भी है। तो चलिए इसमें एक छोटा सा तड़का लगा देते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम एक तड़का पैन लेंगे, उसमें हम 1 से 2 चम्मच थोड़ा घी डालेंगे और घी को थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। अब इसमें 1/2 कप नारियल का टुकड़ा डाल देंगे। आप चाहे तो ड्राई कोकोनट के भी टुकड़े इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए इसे घी के साथ में बहुत अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। अगर ये हम अप्पे में डालेंगे तो अप्पे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसे हम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमारी कोकोनट बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो चलिए अब इसे बैटर में हम डाल देते हैं। तो चलिए फ्राई किए हुए जो कोकोनट के टुकड़े हैं उसे इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से एक बार हम बढ़िया तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब गैस पे हम एक पतीला रख देंगे और इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे और इसमें अब हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, आपको कितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से। बट ये जो अप्पे बनते हैं इसमें बिल्कुल मीठा ज़्यादा ना हो तो ही अच्छा है। इसमें लाइटली अगर आप मीठा डालते हो तो ये अप्पे खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बहुत अच्छी तरह से हम अभी मेल्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए गुड़ के पानी में भी बहुत अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया है, इसे पूरी तरह से मेल्ट करना है। तो ये देखिए गुड़ हमारे मेल्ट होने को आया है अच्छी तरह से। तो 1-2 टुकड़े इसमें रह जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसे अच्छी तरह से छान लेते हैं और इसे बैटर में हम डाल देते हैं। तो चलिए अभी गुड़ को अच्छी तरह से छान लेते हैं और बैटर में डाल देते हैं। अगर गुड़ डालने के बाद में आपको लगता है कि बैटर थोड़ा सा पतला हो गया है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच सूजी डाल के इसे मिक्स करके रख सकते हैं। तो चलिए गुड़ को अच्छी तरह से हम बैटर के साथ में मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए गुड़ को मैंने अच्छी तरह से बैटर के साथ में मिक्स कर दिया है। तो चलिए अभी इसे 4 से 5 घंटे के लिए हम ढक कर रख देते हैं। तो चलिए 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, तो बैटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैटर कितनी बढ़िया तरीके से रेडी है। तो फ्रेंड, जिस दिन मुझे नई अप्पे बनाना होता है उस दिन मैं सुबह सुबह चावल को धो देती हूँ और उसके बाद में जब बच्चे शाम को घर आते हैं उसी समय मैं अप्पे को बनाती हूँ। गरम गरम काफ़ी टेस्टी लगती है। तो ये देखिए इस तरह से एक साँचा ले लेंगे हम, ये लोहे का साँचा है, आप नॉन स्टिक का भी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम अभी तेल डाल देंगे और तेल के साथ में हम 1-1 चम्मच घी को भी डालेंगे। घी डालने से अप्पों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो ओनली तेल में बनाइए, अगर आपको घी पसंद है तो आप घी में भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे तरह से गर्म होने देते हैं। तो चलिए बैटर को हम 1-1 करके भी साँचों में डाल देते हैं। इस तरह से भर भर के हमें डालना है। तो इसे देखिए मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो टेम्परेचर पे ढक दिया था। अब पे देखिए कितनी बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। तो चलिए अभी साइड को हम चेंज कर देते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नई अप्पे बनके पूरी तरह से रेडी हो गई है। तो चलिए इन्हें हम अभी निकाल देते हैं। तो ये देखिए सारे अप्पों को हमने निकाल लिया है और देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है। तो चलिए बाकी बैचेस को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अप्पे बनकर रेडी हो गई है। तो हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर पे इसे फैला देते हैं ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए मैं एक अप्पों को अंदर से तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कैसे बनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए अंदर से कितनी जालीदार और कितनी सॉफ्ट बनी है। तो किसी भी फेस्टिवल में या फिर आपका जब चाहे मन आप इसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस जन्माष्टमी में ज़रूर इस नई अप्पे की रेसिपी को बनाइए और भगवान को भोग चढ़ाइए। तो फ्रेंड्स अगर हमारी अप्पे की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। उसी के साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, एक नई वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।